पुलिस की बेहतर जांच और साइंटिफिक एविडेंस की कलेक्शन के कारण अपराधी को सजा मिली और पीड़ित को न्याय मिला। हमें समझना होगा कि एक लोकतंत्र में त्वरित न्याय कभी भी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वह गलत रास्ते पर ले जाएगा। हमें अपराधियों पर नियमों के दायरे में रहकर ही सख्ती करनी होगी, जैसी बीते एक दो महीनों में राजस्थान में देखने को मिली। पिछले एक महीने में पुलिस ने झुकेगा नहीं के अप्रोच से काम किया, जिसके कारण अपराधों में 10% की कमी भी आई है। मैंने देखा है पिछले 1.5 महीने से चला जा रहे पुलिस ऑपरेशन के कारण गुंडे व हिस्ट्री शीट अहिंसा का राह गल पा रहे हैं। पहले जिनके दिन की शुरुआत अपराध होती थी, वो हाथ जोड़े पुलिस और जनता से माफी मांगते घूम रही है, मैंने मीडिया में देखा है। जो माफिया गैंगस्टर अभी भी जेल से बाहर बचे हुए हैं, आज मैं पुलिस दिवस के अवसर पर उन्हें भी चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो वे जल्द से जल्द खुद पुलिस के सामने सरेंडर करें, वरना उनका हाल भी वही होगा जो बाकियों का हो रहा है। उन्हें नेक इरादों को निस्ताबूत कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।